हमारी शादी करने से सुरेश की जिंदगी में मुसीबतें आएंगी, क्या ये शादी मुझे करनी चाहिए? मैं प्यार करती हूँ सुरेश से, लेकिन इस हद तक नहीं कि उसी का भला बुरा भूल जाऊं। हम आज कह देंगे कि हम इस कुंडली वाली बात पर भरोसा नहीं करते, लेकिन हमारे मन में वहम तो बैठ गया है ना। भगवान न करे कल को कुछ गलत हो जाए तो यही वहम हमारे रिश्तों में कड़वाहट ले आएगा। और सुरेश की जिंदगी में कोई भी मुसीबत आए और उसकी वजह मैं हूं, ये मैं नहीं देख सकती। आंटी जी, आप चिंता मत कीजिए, सुरेश की जिंदगी में मेरी वजह से कोई मुसीबत नहीं आएगी। आप जो फैसला करेंगी मुझे मंजूर है। प्रज्ञा ने तो कह दिया मां, अब आपकी बारी। कह दीजिए कि आप अब भी प्रज्ञा को अपनी बहू बनाना चाहती हैं। कह दीजिए कि आप इस अंधविश्वास में आकर एक अच्छी बहू को नहीं खोना चाहती। कह दीजिए कि आप मेरे फ्यूचर के लिए डरती नहीं। प्लीज मां, डरती हैं क्योंकि आपको मेरे लिए एक ऐसी लड़की चाहिए जो मेरे घर में लक्ष्मी बन के आए, जिसके कदम पड़ते ही मेरी किस्मत चमक उठे। लेकिन मां, इस हिसाब से तो आप में और आकाश के घर वालों में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि वो भी आकाश की शादी एक रईस लड़की से करना चाहते थे, रच्चों से नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वो आकाश के फ्यूचर के बारे में सोच रहे थे जैसे आप मेरे फ्यूचर के बारे में सोच रही हैं। लेकिन उस वक्त आपने अपनी बेटी के बारे में सोचा, और प्रज्ञा जिसे आप अपनी बेटी मानती हैं, इस वक्त आप उसके बारे में नहीं सोच रही मां। क्यों? क्या वो सब एक झूठ था? सुरेश, क्या कह रहे हो तुम किससे तुलना कर रहे हो आंटी जी की? वो मां है तुम्हारी, तुम्हारी फिक्र करना उनका हक है। प्रज्ञा, मैं मां से सिर्फ एक जवाब चाहता हूं। जब सवाल रच्चों का था तब तो हमने आकाश को दोषी ठहराया, और आज जब मेरी बारी है मां तो हमें कुंडली को दोषी ठहरा रहे हैं। सिर्फ एक कुंडली की वजह से आप एक असमंजस में हैं। बेटा, कुंडली भी तो जरूरी होती है, उसी के मेल से जोड़ियां बनती है बिगड़ती है। समझता हूं मां, लेकिन मुझे एक बात समझाइए, अगर हमारी कुंडलियां मिलती तो क्या आने वाली जिंदगी में हमें प्रॉब्लम्स नहीं होती मां? क्या हम आने वाले कल के डर से आज में जीना छोड़ दें मां? मां, जब हम रच्चों के लिए इंसाफ मांग रहे थे तब क्या हमने कुंडलियां मिलाई? नहीं मां, क्योंकि उस वक्त कुंडली इंपॉर्टेंट नहीं थी मां, इंपॉर्टेंट रच्चों थी, रच्चों की जिंदगी थी, रच्चों का आज था मां। लेकिन अगर आज आप कुंडलियों के मेल के बारे में बात करें तो लाखों नौकरियां कुर्बान हो जाए प्रज्ञा के लिए। आज मैं जो कुछ भी हूं, जो कुछ मेरे पास है, कहीं ना कहीं वो प्रज्ञा की वजह से। अगर कल प्रज्ञा से शादी करने के बाद ये सब चले जाते हैं तो क्या हुआ मां? इसमें प्रज्ञा की क्या गलती है, या फिर उसकी कुंडली को क्यों दोषी ठहराए? हो सकता है मेरी किस्मत खराब हो मां। अगर हम साथ रहते हैं तो जिंदगी की हर मुश्किल से जूझ सकते हैं। प्रज्ञा के बिना तो मैं पहले ही हार जाऊंगा। सुरेश बेटा, मुझे माफ कर दे, न जाने क्यों मेरे मन में डर बैठ गया था। अरे बहन जी,
आपके डर का उपाय है ना, अगर कुंडली में कोई दोष है तो हम पंडित के पास जाएंगे और उसे दूर करेंगे और आपका डर भी दूर हो जाएगा। और ये बात बिल्कुल सही कही कप्पू तूने। अरे सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये मिठाई है, कब से बोल रही है कि इसे कोई खाए पर इस पर तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। मिला कोई रिश्ता? दो तीन बहुत अच्छी लड़कियां मिली है। तो बताइए पंडित जी कितने गुण मिले? किसी के 27 गुण तो किसी के 28 गुण, लेकिन एक कुंडली थी जो मैं अपने साथ नहीं ला पाया। आप मेरी बात का विश्वास नहीं करेंगे, 35 गुण मिल रहे थे उससे, पर उससे रिश्ता हो जाता तो क्या कहने थे। लेकिन क्या पंडित जी, वो रिश्ता क्यों नहीं लेके आए? उसका रिश्ता कहीं और तय हो चुका है किसी और लड़के के साथ, और 5 दिनों में उनकी शादी भी। उस लड़की की कुंडली से हमें कुंडली मिलानी नहीं थी, बस वो तो सामने आ गई, इसलिए जिसके भाग्य में होगा उसी से रिश्ता होगा। देखिए ना माधवी जी, श्याम जी ने कितनी सारी साड़ियां भेजी है, लेकिन आपको ना कोई साड़ी पसंद आ रही है अपनी बहू के लिए, ना ही कोई रंग। हाँ, जैसे आप चाहती है कि मेरी बहू अच्छी लगे, खूबसूरत लगे, वैसे मैं भी तो चाहती हूँ कि आपकी बेटी उस दिन सबसे अलग लगे, खूबसूरत लगे। हाँ वो तो है। अरे इसमें कोई पीला कलर है ही नहीं, क्योंकि पीला कलर प्रज्ञा पर बहुत खिलेगा। बहन जी तो है, अब साड़ियां सिलेक्ट करते रहोगे या बाकी के फंक्शन की डेट भी डिसाइड करोगे? हाँ 5 दिन बचे हैं शादी के लिए, बाकी के फंक्शन कब करेंगे? और हाँ पंडित जी भी बोल रहे थे कि कल शायद कोई पूर्णिमा है। अरे तो बस ठीक है, फिर कल से शुरू कर देते। कल से? क्यों दी, कल से तो तैयारी शुरू हो रही है, शादी नहीं। वैसे कोई तो डिसअपॉइंट हो गया, चाहती थी कि शादी कल ही हो जाए। तुझे सुनो, मैं सूरज जी जो देखी ना दी, जैसे शादी की डेट नजदीक आ रही है ना, वैसे ये दी ना खूंखार होती जा रही है। सूरज जी आपका क्या होगा? अच्छा सुरेश, प्रज्ञा को बाजार ले जाना है, उसे कपड़े दिलाने हैं और 5 दिन के अंदर ही ये सारे काम खत्म करने हैं। और हाँ याद रखना, पीले कलर की साड़ी ही लेनी है, क्योंकि प्रज्ञा पर वो कलर बहुत अच्छा खिलेगा। वाओ, दी और जीजू एक साथ पहली बार डेट पे, वो भी अकेले अकेले। वैसे दी ध्यान से जाना, स्कूटर को ना उसके नहीं पकड़ना, वरना मोहल्ले वाले देखेंगे, बातें करेंगे। बुलबुल तुझे ना मैं, अरे मैंने कहा स्कूटर को कस के मत पकड़ना। क्यों, तूने यह समझा? अच्छा सुन, तू दीदी के साथ जाएगी, समझी? सारी तैयारी तो वो खुद ही कर रही है, लिफाफे कौन पकड़ेगा? मैं? नहीं नहीं, मुझे नहीं बना कबाब में हड्डी। हाँ थप्पड़ लगाऊंगी मैं तुझे, चल तू जा दीदी के साथ। दी देखना, मैंने कहा ना मुझे कबाब। अब तू मुझे डांटना नहीं है और बोलना नहीं कि मैंने तुझे अकेले टाइम नहीं दिया स्पेंड करने के लिए, ऑल दैट। तू चल मेरे साथ, चल तुझे मैं बताती हूँ, तू चल मेरे साथ, चल आते हैं। झगड़ा मत करना। माधवी जी बच्चे तो चले गए खरीदारी करने, मैं ना आपको जो मैंने प्रज्ञा और बुलबुल के लिए जेवर बनाया ना वो दिखाती हूँ। आपने अपनी दोनों बच्चियों के लिए कितने अच्छे और खूबसूरत गहने बनाए हैं। और नहीं तो क्या भाई, दोनों बच्चियों की पर्सनैलिटी के हिसाब से बनाए हमने गहने। अरे ये देखो जो प्रज्ञा के लिए बनवाया है, कितना सिंपल है, एकदम उस पर अच्छा लगेगा। माधवी जी मैं क्या सोच रही थी कि इतना सब कुछ हो गया तो भगवान को जाके धन्यवाद कराते, मत्था टेकाते मंदिर में। आप भी चलिए साथ में। बिल्कुल सही कहा आपने दीदी, सितारों के ऊपर भगवान है और भगवान का आशीर्वाद तो लेना ही चाहिए। बिल्कुल लेना चाहिए, चलिए फटाफट रख, मैं फटाफट रखती हूं, फिर हम लोग निकलते हैं। वो ठीक से बंद कर देना, ले लो माधवी, बैठो मैं देती हूं। अरे मेरे कुकर की सीटी मुझे बुला रही है, वो आलू चढ़ा के रखे थे ना, सोचा था पराठे बना लूंगी, मैं जरा जाती हूँ। माधवी जी आप लॉक करके ना बाहर आ जाएगा, मंदिर हम वहीं से जाते हैं। बीजी वो मेरे आलू सर लेंगे। हाँ मेरे को भी जाना है, मेरी फ्रेंड बुला रही है। माँ सुनो। आई बेटा आई। ये
सब क्या है इतना चमक दमक? ये देखिए मैडम। नहीं 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 नहीं, ये तो बिल्कुल ही नहीं। अरे अरुण, तू भी कहाँ दादी को लेटेस्ट दिखा रहा है। बेटा ये हमारी सबसे पुरानी कस्टमर है, इन्हें क्वालिटी दिखा बेटा, क्वालिटी। ये तो इनसे हमारा आपस का रिश्ता है, तभी तो ये इतनी बड़ी जगह जाने के बाद भी हमारी छोटी सी दुकान में आती हैं। माफ करना दादी, नया लड़का है ना, तो इसे आपकी चॉइस का पता नहीं है। कोई बात नहीं, अभी दिखाता। दिखाओ बेटा। ये लीजिए, ये देखो दादी। देखो चुनीला जी, ये गाढ़ा लाल है, मैं चाहती हूँ कुमकुम लाल। अरे दादी, क्या फर्क है दोनों में? फर्क है, कुमकुम लाल जो होता है ना, बहुत शुभ होता है। अरुण, कुमकुम लाल वाला लेकर जी, अभी लाल। अच्छा हुआ मैं तुम दोनों के साथ आ गई, वरना तुम दोनों तो पक ही जाते एक साथ। बात ही नहीं कर रहे, मौन व्रत धारण करके रखा है क्या? ए दी, दी वो शॉप से ना हम लोग साड़ियाँ खरीदेंगे, वो वाला। हाय। हाँ मैं आता हूँ आता हूँ। प्रज्ञा सुनो, वो बीएमसी का आदमी है, मेरा दोस्त है, उसे कुछ काम था और उसे शादी के लिए भी इनवाइट करना है। तुम वो साड़ियाँ देख लो, मैं फाइनलाइज कर लूंगा, ठीक है? आ रहा हूँ। दी ये तो अभी से ऑर्डर्स देने लग गया, बाद में हिटलर ना बन जाए, संभालना। तो मैं देख रही हूँ आजकल तू ना मुझे और सुरेश को हर बात पे चढ़ाती है, जब मेरा मौका आएगा ना फिर देखना, तुझे तो मैं ना तेरा कान मरोड़ दूंगी मैं। दी क्या? तू एक काम कर, तू जाके ना साड़ियाँ देख ले, मैं अभी आई, ठीक है? तू सेलेक्ट कर लेना, मैं अभी आई। दी मुझे थोड़ी भूख लगी है, मैं अभी आई। क्या हुआ अचानक? दो मिनट जाना दी, मेरा कुछ समझ में नहीं आता। बाय, दो मिनट में आई। ये देखिए दादी, ये चुनीलाल जी, आपकी दुकान पे लाइट बहुत कम है, जरा लाइट ऑन करो ना। जी मैं वहां जाके देखती हूँ। ओके दादी। हाँ ये है कुमकुम लाल, मेरे अभी की दुल्हन पे बहुत भबेगा। कितनी सोनी लगेगी। कैसी हो बेटी? ठीक हूँ। और रचना कैसी है? ठीक है। बहुत असमंजस है ना, रचना को शादी के लिए हाँ बोल देनी चाहिए थी। मैम हाँ कैसे कह देती, इतना सब कुछ होने के बाद उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची थी उसके बाद। ठीक कह रही है तू, लेकिन बेटा मैं तो आशीर्वाद दे सकती हूँ हाथ जोड़कर। मैम आप, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, आप क्यों? है बेटा, मेरे बच्चों की गलती है। मैम ये चुन्नी। मैम ये शायद अटक गया, मैं निकाल देती हूँ। एक काम कर बेटा, अब इसे तू ही रख ले। नहीं मैम निकल जाएगा, मैं निकालती हूँ ना ये। मैंने तो किसी अनजान के लिए लिया था, अब तेरे पास आ गया है, हो सकता है तेरे भाग्य में ही लिखा हो। मुझे भी देखो ना कितनी जल्दी पड़ी है, चेहरा मिल जाएगा तू चुनरी भी ले लूंगी। मैम मैं ऐसे कैसे ले सकती हूँ, मैं निकाल। बेटा मेरा आशीर्वाद समझ के रख ले। That's like a good girl. चलो। तुम अपना फोन घर पे छोड़ आई? मैंने फोन किया और घर से पता चला कि तुम मार्केट आई हुई हो। Oh, I'm so sorry. मैं भूल गई अपना फोन, I'm really sorry. पर एक बात बताओ, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? पता नहीं। पता नहीं मतलब?
मुझे नहीं पता मैं तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ क्यों आया हूँ। पूरा मेरी दी और जीजू यहाँ पे आए शॉपिंग के लिए, उन्होंने मुझे देख लिया ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ, लेकिन मेरी भी मजबूरी है ना बुलबुल, आई डोंट हैव टाइम। मैं रात भर सो नहीं पाया, पता नहीं कितनी बेचैनी हो रही थी, और तुम आज ऑफिस भी नहीं आई। तुम जानते हो ना मेरे घर पे दी का रिश्ता हो रहा है और सारे मेहमान आए हुए, मामा मामी सब लोग आए हुए, और मैं कैसे। तुम जानते हो ना हमारे बीच में क्या हुआ है, तुम जानती हो ना कि मैं तुमसे। कोर्स मैं जानती हूँ पूरब, और मैं भी वही फील कर रही हूँ। क्या तुम मुझे 5 मिनट भी नहीं दे सकती, मेरी लाइफ में पता नहीं कितनी कॉम्प्लिकेशंस चल रही है। मेरी लाइफ में भी बहुत कॉम्प्लिकेशंस है पूरब, लेकिन जब मैं दी के साथ खड़ी थी, जब मैंने तुम्हें देखा तो मैं सारी कॉम्प्लिकेशंस भूल गई। ऐसा लगा कि सारी दुनिया रुक गई हो, अब बस तुम्हें देखने का मन हो रहा था। और तुम जानते हो ना सारे, आई लव यू। पता नहीं कब कहां कैसे क्यों, बट आई लव यू। पर मैं तुमसे प्यार नहीं करती, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? नहीं एवे, मैं लड़कों को अपने गले लगा लेती हूँ ना। ऑफ कोर्स आई लव यू बुद्धू, मैं बहुत प्यार करती हूँ तुमसे, लेकिन तुम जानते हो ना दी और जीजू यहीं पे है। पानी भी एकदम टाइम पे आ रहा है, स्ट्रीट लाइट्स तो एकदम ठीक है, थैंक यू सो मच। लेकिन अब शादी पे आइएगा जरूर। थैंक यू सो मच, बाय। थैंक यू, बाय। और अगर उन्होंने, मुझे जाना पड़ेगा अभी, मैं तुमसे बात नहीं कर सकती। अरे ठीक है, हाँ ओके, बाय बाय। क्या हुआ, किससे बात कर रही थी? सुरेश, वो वड़ा पाव के स्टॉल के यहाँ पे ना मेरा बॉस मिल गया था। अच्छा, वो क्या ना मैंने छुट्टी ली थी ना तो मैं पकड़ी गई। हाँ हाँ, अब चले चले। ये देखे मैडम, ये वाली अच्छी। ये किस रेंज में? मैडम सिर्फ 12,000, प्योर सिल्क है। कितने की है? ओनली 499 रुपीज सर। ओनली 499 क्या होता है? लिंकिंग रोड पर ना ऐसी टाइयां 300 रुपए में बिकती हैं, और आपने 500 लगा रखे हैं। वाह भाई। नहीं भैया, बहुत ज्यादा बता रहे हैं, आपने एसी और कोल्ड ड्रिंक का भी पैसा ऐड कर लिया इसमें। अरे मैडम देखिए कितना अच्छा कलर है, कितनी अच्छी क्वालिटी है, ये क्वालिटी आपको पूरे शहर में नहीं मिलेगी, आप ले लीजिए। नहीं नहीं भैया, ये बहुत महंगा बता रहे आप। इसे हटा दीजिए। नहीं मैं बोल रही हूँ ना, आप इसे हटा दीजिए, कोई और दिखाइए। कुछ पसंद आया? हाँ बस देख रही हूँ। अरे देखिए सर कितनी अच्छी साड़ी है, मैडम को ये पसंद ही नहीं आ रही है, अब आप ही चॉइस कीजिए प्लीज। मैंने आपसे कहा बहुत अच्छी है। नहीं वो रहने दो ना आप। नहीं, नहीं ये बहुत खूबसूरत है, पर क्या महंगी भी है, रहने दो। कितने की? सर सिर्फ 12,000 की है, प्योर सिल्क की है। क्या बोला सर? 12,000 पैक कर लो। रीश, लेकिन वो ये प्रतिया, तुम पर कोई चीज खिले उसका दाम नहीं देगी। एक बात बता, तुम्हें पसंद है ना तो खरीद लेते हैं। आज तक तुमने मेरी पसंद का ध्यान रखा है ना, अब मेरी बारी। क्या हुआ दी, यकीन नहीं हो रहा है? वैसे प्यार ना अच्छे अच्छे को बदल देता है। दादी क्या कर रही हैं आप जानती हैं कि मैं आपसे प्यार करती हूँ। भाई इज टोटली क्रेजी अबाउट यू, लेकिन फिर आप ये सोच भी कैसे सकती हैं? क्या किया मैंने? दादी मुझे ताई जी ने सब कुछ बता दिया। आपने ये किसी मैचमेकिंग वाली आंटी को बुलाया? आलिया तू बहन है उसकी और बहुत लाड करती है उससे। मैं भी उसकी दादी हूँ, उसका अच्छा ही चाहूंगी। मैं तो सिर्फ ये देख रही हूँ कि उसके लिए हर तरह से कुछ सही लड़की हो। दादी प्लीज,
मैं भाई के लिए कोई ऐसी बहन जी टाइप लड़की इस घर में आने नहीं दूंगी, बस। तो तू ले आना कोई लड़की, है तेरी नजर में कोई लड़की जो इस घर की बहू बनने के लायक हो? दादी प्लीज, भाई की हजारों गर्लफ्रेंड्स है, उसमें से किसी एक से शादी कर लेंगे। बट आई डू नॉट अप्रूव ऑफ दिस बहन जी एटीट्यूड। मतलब ये आलिया कैसे बात करी दादी से? भाई आपके भले के लिए ही बात कर रही हूँ, और ये मेरी भी तो दादी है। Even I love her a lot. पर इसका मतलब ये तो नहीं कि भाई जो भी बोले मैं आंख बंद करके मानती रहूं। भाई आपकी शादी करवाने की बात करिए किसी बहन जी के साथ। आलिया, That means you're fine with it. ठीक है, कर लो शादी। तू मुझे एक बात बता, जो मैं रिश्ता लेके आऊंगी तू उससे शादी करेगा कि नहीं? दादी मैं हमेशा से आपकी हर बात मानता हूँ, है ना? लेकिन इस बार प्लीज। तू चाहता है ना मैं ठीक हो जाऊं, तो फिर जो मैं चाहती हूँ वो कर। करो ना भाई, करो, क्योंकि दादी का इमोशनल ब्लैकमेल तो शुरू हो गया है। आलिया, दादी अब चाहती है ना कि इस घर में शादी हो? ठीक है, इस घर में शादी होगी। व्हाट? आलिया तू चल, चल अपने कमरे में। भाई तू अपने कमरे में जा। और हाँ, मैं तुम दोनों से वादा करता हूँ मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिससे तुम दोनों में से किसी को तकलीफ हो। ऑलराइट? एनीहाउ, दिस इज सरप्राइज फॉर यू। कम ऑन, कम ऑन, गुड गर्ल। भाई यू आर इम्पॉसिबल। दादी आई लव यू। दोनों को पटाने का एक ही तरीका, एक ऐसा वादा जो मैंने सालों पहले लिया था।